नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों यहां पे मैं फायर्स जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, जो ब्रोकर है मेरा, उसके बारे में बात करूंगा। यहां पे कुछ लोगों ने जो अकाउंट ओपन करवाया है उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसके पहले दोस्तों ये वो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उन्हें फंड ट्रांसफर करने में, फायर्स में फंड ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, दूर करने के लिए मैं ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसको हम लोग देखेंगे कि फायर्स में फंड ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। आपको पता है ये फायर्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इसके पास एडवांस लेवल के चार्ट होते हैं। इसका तीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक फायर्स वेब है जो कि आपको सामने दिख रहा है, एक फायर्स वन है जो इसका डेस्कटॉप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जो मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। वन मिनट, यह है इसका फायर्स वन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप, ये फायर्स वन ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ फायर्स वेब है और एक फायर्स मार्केट आता है मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस तीनों में कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आज मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं फायर्स वेब और फायर्स वन इस दोनों में दिखाऊंगा कि आप कैसे फंड को ऐड कर सकते हैं और फंड का विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका किसी भी बैंक से रहे, जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है, जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अकाउंट ओपनिंग होते वक्त, फायर्स अकाउंट ओपन होते वक्त दिया है, उसी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है इसमें, और उसी पैसे अकाउंट में वापस आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक अगर फायर्स वेब की बात करें तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर का एक ऑप्शन है, क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है ना। इस फंड ट्रांसफर के ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे आप गए, एक अलग से विंडो खुलेगा आपके पास, टैब खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे चीज होते हैं, फंड क्लाइंट आईडी आपका रहेगा, उसके बाद फंड लिखा हुआ, यहाँ ऊपर वाला जो ऑप्शन है जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आपका कितना है वो रहेगा टोटल, उसके बाद व्यू फंड रहेगा, एड फंड रहेगा, विड्रो फंड रहेगा, मार्जिन यूटिलाइज रहेगा। आपको व्यू फंड देखना है तो ये सामने दिख रहा है व्यू फंड, ठीक है। अब आपको पैसा डालना है इसमें, पैसा को इंक्लूड करना है, तो कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें एड फंड में जाना है, ठीक है, एड फंड में जाना है, और यहाँ पे सिंपल जो कैपिटल दिख रहा है ये कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, इसको कुछ नहीं चेंज करना है, ये कैपिटल ही रहना है यहाँ पर। उसके बाद जितना भी अमाउंट आपको डालना है, मान लेते हैं मैंने एक अमाउंट कितना डालना है, तो मुझे अमाउंट डालना है 500 रुपीज़, ठीक है, मुझे अमाउंट इसमें डालना है, या 100 रुपीज़ कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, 100 रुपीज़ मुझे अमाउंट डालना है, या 100 रुपीज़ डाल दिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ डाल दिया। और उसके बाद ये जब 100 रुपीज़ डाल दिया तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक अकाउंट में, कौन सा जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर बाय डिफॉल्ट जो आपने लिंक किया हुआ है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर के पास वो अकाउंट मैंने हाइड किया हुआ है सारे अकाउंट नंबर को अपना, तो आप, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे नीचे में अकाउंट नंबर रहता है, ठीक है, उस अकाउंट नंबर जो आपने लिंक किया हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू का एक बटन है, कंटिन्यू कर दीजिए, एक अलग से विंडो खुलेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा और आपका डायरेक्ट बैंक के वेबसाइट पर लेके आपको चला जाएगा, डायरेक्ट बैंक के वेबसाइट पे आपको लेके ये चला गया। अब अपना बैंक में नेट बैंकिंग का पासवर्ड, जो आपने नेट बैंकिंग अगर आपका होगा तो नेट बैंकिंग डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपना उस यूजर आईडी से, जो बैंक का ना कि फायर्स का, बैंक के यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है अपने बैंक के पोर्टल में। लॉगिन करने के बाद जितना पैसा का आपने डाला हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने इतना पैसा डाला है करने के लिए, वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसका कंफर्म का बटन, जैसा भी आपके नेट बैंकिंग वाले बैंक के नेट बैंकिंग के सिस्टम में जैसा भी आएगा वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो ऑप्शन पूछेगा आपसे, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे बैंक की तरफ से, ओटीपी डाल दीजिए आप, जैसे कि मेरे मोबाइल पे आ चुका है ओटीपी, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक एक करके, एक मिनट मैं बस ओपन कर रहा हूँ। मेरा ओटीपी आ चुका है, हाँ आ गया है, मैं डाल रहा हूँ,
डाल दिया मैंने और सबमिट कर दिया। उसके बाद सबमिट करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है दोस्तों, पेमेंट डन सक्सेसफुली, इस तरह का एक मैसेज आएगा ब्लू कलर में। जब तक वो मैसेज ना दिख जाए, ये फंड ट्रांसफर पेमेंट डन सक्सेसफुली, ये जब तक ये मैसेज ना दिख जाए आपको विंडो क्लोज नहीं करना है, इस बात को याद रखिए। जब तक ये फंड ट्रांसफर पेमेंट डन सक्सेसफुली ना दिख जाए आपको आपका ट्रांसफर विंडो नहीं करना है, ठीक है, सॉरी विंडो क्लोज नहीं करना है, ये दिखना चाहिए, ये मैसेज दिखना चाहिए फंड ट्रांसफर पेमेंट डन सक्सेसफुली। उसके बाद ये आ गया, अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं, इसको एक क्लोज कर दिया। और एक बार अपना उस अवेलेबल बैलेंस जो वापस आपको दिखेगा यहाँ पर, वापस फंड वाले ऑप्शन में आ गए, तो एक बार इसको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपका फंड अवेलेबल कैपिटल वाले पार्ट में, कैपिटल वाले पार्ट में आपको यहाँ पे सक्सेसफुली एड किया हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फंड को एड कर सकते हैं। दूसरा विड्रॉ करना है तो विड्रॉ वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ, यानी पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, जितना भी पैसे निकालने हैं यहाँ अमाउंट में डालना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो अकाउंट आपको दिखेगा जो अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है फायर के साथ, उसका सबमिट बटन कर दीजिए, आपका विड्रॉ फंड रिक्वेस्ट चला जाएगा और विद इन 24 आवर्स में आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा चीज करना है। उसी तरह अगर फायर्स वन की बात करें, यहाँ ये फायर्स वन अगर आप लोग यूज करते हैं, तो फायर्स वन में यहाँ पे हमारे पास फंड ट्रांसफर का बटन है ऊपर में, आप देख रहे हैं फंड ट्रांसफर, वो तो फायर्स वेब था, ये फायर्स वन है, ठीक है। तो फंड ट्रांसफर का बटन है, इसमें पे इन करना है, पैसा डालने के लिए, एड करने के लिए पे इन और निकालने के लिए पे आउट, फिर सेम प्रोसेस करना है जो प्रोसेस फायर्स वेब में था, वही सेम पे इन पे क्लिक करेंगे तो वही विंडो खुलेगा एक अलग से कैपिटल डालने के लिए, ठीक है। यहाँ कैपिटल रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कैपिटल। अगर आप कमोडिटी में करना चाहते हैं तो कमोडिटी, अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया और कमोडिटी से ट्रेड करना चाहते हैं तो कमोडिटी को सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो कैपिटल, इक्विटी के लिए कैपिटल, ठीक है। बैंक नाम, जो भी आपने बैंक का नाम दिया वो सिलेक्ट करिए, अपना बैंक अकाउंट अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों चीज अमाउंट डालिए जितना आपको अमाउंट डालना है और सबमिट बटन कर दिए, फिर बैंक का, आपके बैंक का नेट बैंकिंग का ऑप्शन खुलेगा, अपना आईडी पासवर्ड डालिए जैसे भी प्रोसेस किया, फिर सबमिट करिए, सारी चीजें करने के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन क्लोज तब तक नहीं करना है विंडो जब तक फंड ट्रांसफर डन सक्सेसफुली का मैसेज ना आ जाए, इस बात को याद रखना। तो इस तरह से आप फायर्स वेब और फायर्स वन में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब फायर्स मार्केट बचा, यानी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, उसका वीडियो मैं मोबाइल पे बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक करें, और दोस्तों अगर ये फायर्स में अकाउंट ओपन कराना हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फायर्स अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। ये बहुत ही एडवांस लेवल के चार्ट होते हैं, के बाद बहुत सारे स्क्रीनर हैं, मैंने सारे स्क्रीनर का एक एक करके वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फायर्स अकाउंट ओपनिंग लिंक, उस पर जाकर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करें, फायर्स की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, ऑनलाइन भी अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन है और आपका मैनुअली भी। जो लोग भी फायर्स में अकाउंट ओपन कराएंगे मैं नेक्स्ट मंथ से उनके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, उनको मैं कुछ एडिशनल सर्विस दूंगा, अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। तो जल्द से जल्द आप लोग अगर अकाउंट ओपन नहीं कराया तो ओपन कराइए, और ओपन कराने के बाद अपना आईडी और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।